और हादसे का शिकार बनी छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनके साथ दादरी के विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुदीक्षा के परिजनों से बातचीत कर उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे विद्यार्थियों को आगे पढ़ने की प्रेरणा मिले। साथ ही सुदीक्षा के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा सांसद सुरेंद्र नागर ने 5 लाख की मदद परिवार को देने की घोषणा की। सुदीक्षा भाटी के पापा सुदीक्षा भाटी के मम्मी उनके मामा और माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी मिलने आए और मैं मिलने आया। हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक तो मांग करी कि उनकी आर्थिक मदद कुछ हो। आर्थिक मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए दिए और 5 लाख माननीय सांसद जी हम सब मिल करके इनके 5 लाख हम देंगे। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए इस परिवार को दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा भाटी के माता पिता और उनके मामा माननीय विधायक डॉक्टर तेजपाल नागर जी उन सब लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार ने खासतौर से जो मांग की कि सुरक्षा भाटी का जो वहाँ प्रेरणा स्थल एक लाइब्रेरी यहाँ बने उसकी याद में क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी गई थी, प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को उससे मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जिला प्रशासन को आदेश कर दिए कि वहाँ प्रेरणा स्थल और वहाँ पर लाइब्रेरी उसके नाम पर बने। और आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस परिवार को।